हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम अगेन टू इमोशनल इम्पल्स। सो आज हम लोग वापस उसी टॉपिक से शुरू करेंगे जिस चैप्टर से हम लोग लगातार दो तीन क्लास कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग जिस टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं उसका नाम है डीएनए। अब हम लोग डीएनए के बारे में कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर जान चुके हैं एंड उस स्ट्रक्चर में क्या क्या कॉम्पोनेंट रहते हैं वो भी जान चुके हैं। बस अब हम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ना है, आगे मतलब उसका केमिकल एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो चलो, जानने से पहले, उसको समझने से पहले एक बहुत ही सिंपल लॉ के बारे में हम लोग थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। सो इन द ईयर 1950, देयर वॉज वन साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट था, ओके, तो जिसका नाम था एरविन चारगव। जिसका नाम क्या था? एरविन चारगव। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में कुछ लॉ बनाया था, मतलब कुछ ऐसे फीचर्स बताए थे जो फीचर्स डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर होता है उसी फीचर्स को फॉलो करता है डीएनए मॉलिक्यूल, इसलिए डीएनए के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो चलो हम लोग जान लेते हैं उस फीचर्स में क्या क्या रूल्स है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चारगव्स रूल्स और द इक्विवेलेंस रूल्स ऑफ चारगव। क्या बोलते हैं हम लोग? चारगव्स रूल्स। तो आज हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक्स होगा चारगव्स रूल के बारे में जानना, व्हाट इज चारगव्स रूल्स। ओके, सो दिस इज नोन एज लॉ और इक्विवेलेंस लॉ ऑफ चारगव। तो चारगव्स लॉ जो है जिसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस लॉ ऑफ चारगव्स और चारगव्स रूल्स। तो इसको इक्विवेलेंस लॉ ऑफ चारगव क्यों बोला जाता है और चारगव्स रूल्स है क्या, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है चारगव्स लॉ का, फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जितना प्यूरिन होता है उतना ही पायरिमिडिन होता है। तो फर्स्ट विल बी द नंबर ऑफ प्यूरिन विल बी द इक्वल टू द नंबर ऑफ पायरिमिडिन। सो प्यूरिन प्यूरिन नंबर इक्वल टू पायरिमिडिन नंबर टू। नंबर टू उन्होंने ये बताया था कि जो एडिनिन होता है उसका नंबर थायमिन से इक्वल होगा एंड द गुआनिन जो होता है उसका नंबर साइटोसिन से इक्वल होगा। और तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि ए टी विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ जी सी। ओके, सो गुआनिन और साइटोसिन का जो बेस पेयरिंग होगा एडिनिन थायमिन जितना ही रहेगा गुआनिन साइटोसिन उतना ही रहेगा। और ये बोल सकते हो नंबर ऑफ एडिनिन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ थायमिन, नंबर ऑफ गुआनिन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ साइटोसिन। ओके, एंड थर्ड रूल्स उन्होंने ये बताया था कि एक सेम स्पीसीज के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमेशा ही कॉन्स्टेंट होगा। तो ये क्या है, हम लोगों का स्पीसीज क्या है, होमोसेपियंस। सो होमोसेपियंस का जितना सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम है, तुम हो, जितना सारे रिलेटिव्स है, जितना सारा ह्यूमन बॉडी है, सबके अंदर एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन का जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो थर्ड नंबर विल बी द रेशियो विल बी कांस्टेंट। ओके, तो ये है चारगव्स रूल्स का थ्री फीचर्स। अगर एक डीएनए मॉलिक्यूल को बनाना है और बनना है, अगर हम लोग एक डीएनए मॉलिक्यूल को देखेंगे तो उसके अंदर ये सब फीचर्स हम लोगों को मिलेगा, तभी वो डीएनए मॉलिक्यूल है। लेकिन इसमें एक बात हम लोग को याद रखना है, यहाँ पर एक जो पॉइंट है इट विल बी द इक्वल, मीन्स
इन वन डीएनए मॉलिक्यूल इट विल बी द इक्वल। अगर हम लोग एक ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो एडिनिन और थायमिन का जो नंबर होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन होता है रादर देन द गुआनिन एंड साइटोसिन। ओके, सो द रेशियो विल बी हाई इन द केस ऑफ एडिनिन एंड थायमिन, ओके, कंपैरिजन विद गुआनिन एंड साइटोसिन। ओके, सो इन वन डीएनए the ratio of purine and pyrimidine is equal, but in total AT will be greater than GC. Okay, the ratio will be 1.4:1. Okay, look, if the AT number will be 1.4, the GC number will be 1, the ratio will be 1.4:1. So AT ka jo ratio hai wo thoda sa jyada bada hoga, jyada hoga. Okay, and then jo GC ka ratio thoda sa kam hoga. Okay, so this is the rules of Chargaff, or you can say that this is Chargaff's rules. अगर एक डीएनए को बनना है तो उसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स होगा. ओके, अब दूसरे स्टेप में हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये जो फीचर्स हम लोग जान लिए हैं, क्या वो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसका नाम ये है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जानने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कैसे होता है समझने के लिए कोशिश करेंगे, क्या वो फॉलो करता है ऐसे रूल्स को. ओके, तो इसको जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा एंड एक मॉडल को फॉलो करना होगा जिस मॉडल का नाम है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. ओके, चलो, डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, वो इन्वेंट नहीं, डिस्कवर हुआ था इन द ईयर ऑफ 1953. इन द ईयर ऑफ 1953 टू साइंटिस्ट वॉज देयर. फर्स्ट वन इज जेम्स वाटसन एंड सेकेंड वन फ्रांसिस क्रिक. दोनों मिलके, ओके, डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कवर किया था. किसके बेस के ऊपर? एक साइंटिस्ट, एक लेडी साइंटिस्ट थे, उनके नाम था रोजालिन फ्रैंकलिन. तो उन्होंने एक्स डिफ्रेक्शन टेक्निक को इनबिल्ड किया था, उसके ऊपर डिपेंड करके दो साइंटिस्ट जेम वाटसन एंड द फ्रांसिस क्रिक दोनों मिलकर डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, जिसको बोलते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स. तो आज हम लोग जानेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल कब इन्वेंट हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1953. अब हम लोग थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल दे देते हैं तुम लोगों को. हेलिक्स क्या होता है और व्हाट इज हेलिकल स्ट्रक्चर? व्हाट इज हेलिक्स? हेलिक्स मीन्स वन स्पायरल 3D विंडिंग स्ट्रक्चर. ओके, इसको और भी सिंपल तरीके से समझाया जाए तो सपोज तुम लोगों को एक ऐसे एक नॉर्मल ट्यूब दिया गया प्लास्टिक का और एक वायर दिया गया. अगर तुम लोग उस वायर को लपेटते हुए ऊपर जाओगे ऐसे कैसे करके स्पायरल करते हुए, एंड कुछ देर बाद अगर हम उस ट्यूब को अलग कर दें और वायर को अलग कर दें तो वायर का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? ऐसे स्पायरल हो जाएगा. ऐसे ही होता है हेलिकल स्ट्रक्चर. ओके, एंड डीएनए जो होता है ऐसे दो हेलिकल स्ट्रक्चर से बना होता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ओके, बट इसमें क्वेश्चन आ जाता है, क्या डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे सच में होता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अलग होता है, अलग अलग ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर ऐसे होता है. अगर हम उसको देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा हम लोग को माइक्रोस्कोप में. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, गॉल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर, राइबोसोम का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग को मिलेगा. इन द सेंस ऑफ थ्योरी और इन द सेंस ऑफ प्रैक्टिकल तुम लोग इसको देख पाओगे. लेकिन अगर हम एक सेल के अंदर से न्यूक्लियस को अलग करें एंड देन उसके अंदर क्रोमाटिन फाइबर के अंदर जाके क्रोमोसोम को अलग करें, क्या डीएनए ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर में मिलेगा हम लोगों को जैसे नॉर्मल एक राफ स्ट्रक्चर होता है?
नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। एक हाइपोथेटिकली इमेजिनरी एंड प्रूव्ड स्ट्रक्चर है। क्या है वो? क्योंकि इस स्ट्रक्चर को बनाया जाता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। जहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं एंड जो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं ना, एक एक बॉन्ड को अगर तुम जुड़ते 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 जाओगे ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो एक एडिनिन एक थायमिन के साथ जिस पोजिशन में बॉन्डिंग करता है, ये थायमिन दूसरे एडिनिन के साथ यहाँ बॉन्डिंग करता है, ये एडिनिन यहाँ थायमिन, थायमिन एडिनिन, तो ऐसे करके स्ट्रक्चर जाता है एडिनिन एंड थायमिन का। और वैसे ही एक स्ट्रक्चर आता है गुआनिन साइटोसिन का। तो उन लोगों का मॉलिक्यूलर जो प्रेजेंसी है, उस प्रेजेंसी को अगर बॉन्डिंग के थ्रू हम लोग अटेस्ट करेंगे ना, तब हम जाके हम लोग को जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम बोलेंगे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, तुम लोग प्रूव कर पाओगे? ओके, इफ़ यू वांट टू प्रूव दैट प्रेजेंस ऑफ एडिनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन यूरासिल, यू कैन प्रूव, बट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यू हैव टू फॉर्म। ओके, ऐसे खोलने के बाद नहीं मिलेगा सेल के अंदर से, तुम लोग को फॉर्म करना होगा एक एक बॉन्ड को देखते हुए। ये होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब डीएनए डबल हेलिकल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ फीचर्स होता है, एक एक फीचर्स को जानते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग ड्रॉ करते हुए डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट होते हैं डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का, उसका बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी एंड एंटी पैरेलल। कॉम्प्लीमेंटरी क्या है? प्यूरिन पिरिमिडिन से कनेक्ट होगा, और यू कैन से दैट प्यूरिन पिरिमिडिन से, और वाइस वर्सा। एंड एंटी पैरेलल मीन्स वन हेलिक्स इज कमिंग फ्रॉम 5' टू 3' एंड वन हेलिक्स इज गोइंग फ्रॉम 3' टू 5'। सो फर्स्ट टॉपिक विल बी कॉम्प्लीमेंटरी, इट्स कॉम्प्लीमेंटरी एंड एंटी पैरल। नंबर टू, वाई इट इज़ कॉम्प्लीमेंटरी? बिकॉज आई सेड ऑलरेडी। एंड नंबर टू, द हेलिक्स इज अ टू। ओके, देर आर टू हेलिक्स, बट द गैप इन बिटवीन टू हेलिक्स विल बी 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ओके, फर्स्ट आई एम राइटिंग ऑल द फीचर्स, देन आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, देन इट विल बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। सो द गैप length is 20 degree angstrom in between two helix. Now number three, number three क्या होता है? DNA का जो helix होता है वो जब नीचे से ऊपर जाता है वो हमेशा ही शुरुआत करता है राइट टर्न से। ओके, तो यू कैन से दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम राइट टर्न एंड इट इज़ फॉलोइंग द क्लॉक वाइज। सो इट इज़ क्लॉक वाइज एंड राइट टर्न, सो इट विल गो क्लॉक वाइज एंड राइट हैंडेड। सो इट्स राइट हैंडेड है, क्लॉक वाइज है। जब एक एक टर्न धीरे धीरे ऊपर आगे बढ़ते हुए जाएगा, तो एक हेलिक्स कॉम्प्लीट करने के लिए ऐसे दो टर्न होना पड़ता है और दो चेन चाहिए। यहाँ से शुरुआत हुआ, ये किया और ये कॉम्प्लीट हुआ, ठीक है? इसको हम ड्राइंग करके बताएंगे, तो उसको हम बोलेंगे एक कॉम्प्लीट टर्न। एक कॉम्प्लीट टर्न मीन्स एक हेलिक्स बनाने के लिए दो टर्न चाहिए, और एक टोटल हेलिक्स का लेंथ होता है 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम। तो उसका जो रेडियस होता है वो होता है 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम, मैंने यहाँ पर लिख दिए। एंड द लेंथ होता है एक टोटल हेलिक्स से हो जाएगा 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम। द हेलिक्स लेंथ थर्टी फोर डिग्री एंगस्ट्रॉम। नंबर फाइव, नंबर फाइव क्या होता है कि एक जो हेलिक्स बनता है टोटल हेलिक्स, एक टोटल टू टर्न फ्रॉम वन हेलिक्स, तो एक हेलिक्स के अंदर, एक हेलिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा वो होगा 10 पेयर्स। तो एक हेलिक्स के अंदर 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है एक हेलिक्स के अंदर, 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। एक चेन के अंदर तो कितना रहेगा?
10 number of nucleotide. So one chain, 10 number nucleotide. One chain contain 10 number of nucleotide. And the next, I'm using the first one. Number 7, 4 divided by 10, that's why 3.4. Number 8, in DNA there are one central axis, okay, and each of every nucleotide connected with the central axis with the angle of 90 degree, okay, so 90 degree angle in central axis. Now number 9, the DNA contain major group and the minor group, okay, so what is major group? The first turn that forming the first chain, that is minor group, and when it forming the second turn to form the second chain, that is the major group, okay. So the सो फ्रेंड्स, डीएनए का जो स्ट्रक्चर्स है उसमें से एक जो स्ट्रैंड होता है और दूसरा जो स्ट्रैंड होता है, मतलब जब एक हेलिक्स दूसरे हेलिक्स के साथ क्रॉस करके आगे बढ़ता है तो एक्स पोजीशन में दोनों जो हेलिक्स है, दोनों हेलिक्स के बीच में जो गैप है, एक पोजीशन में बहुत कम होता है और दूसरे पोजीशन में थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है. तो यहाँ से एक बैंड जा रहा है, जाके इधर से क्रॉस करके दूसरा एक चेन बनाने के लिए फॉर्म कर रहा है. तो जो फर्स्ट चेन बन रहा है उधर में जो डबल हेलिक्स एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं, उस दो हेलिक्स के बीच में एक डिफरेंस होगा, एक लेंथ होगा, उसको हम बोलेंगे माइनर ग्रूव, ओके. एंड देन जब बड़ा सा एक लेंथ आएगा दोनों डबल हेलिक्स के बीच में, उसको हम बोलेंगे मेजर ग्रूव्स, ओके. जब हम लोग ड्राइंग के साथ डिस्कस करेंगे तब हम लोग को पता चल जाएगा क्या होता है मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव्स. अब हम लोग को जानना है ये मेजर ग्रुप का एक लेंथ होता है, क्योंकि टोटल हेलिक्स का लेंथ है 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम. सो मेजर ग्रुप का एक लेंथ होगा और माइनर ग्रुप का एक लेंथ होगा. मेजर ग्रुप का जो लेंथ होता है वो होता है 22 डिग्री एंगस्ट्रॉम, ओके. सो मेजर ग्रुप का जो लेंथ होता है वो होता है 22 डिग्री एंगस्ट्रॉम, और माइनर ग्रुप का जो लेंथ होता है वो होता है 12 डिग्री एंगस्ट्रॉम, टोटल 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम. अब मेजर ग्रुप में कितना न्यूक्लियोटाइड रहेगा एंड माइनर ग्रुप में कितना न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि टोटल जो होता है एक हेलिक्स में उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है टोटल 10 पेयर्स. सो मेजर ग्रुप में ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड रहेगा. मेजर ग्रुप में न्यूक्लियोटाइड होता है 6 नंबर एंड माइनर ग्रुप में न्यूक्लियोटाइड होता है 4 नंबर. तो टोटल 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन मेजर एंड माइनर ग्रुप, ओके. तो इसके बाद हम लोग जानेंगे जो मेजर ग्रुप है एंड माइनर ग्रुप है उसके बीच में अगर हम दोनों को एक साथ कट करेंगे, सपोज ये डीएनए एक स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड को इन द मिडिल पोजीशन अगर हम लोग कट करेंगे, कट करने के बाद देखेंगे डीएनए का एक सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन या फिर एक पैरल लाइन ड्रॉ होता है. डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसका एक सेंटर होता है, उस सेंटर से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको बोलेंगे हम सेंट्रल एक्सिस, ओके. एंड उसी सेंट्रल एक्सिस के साथ जो न्यूक्लियोटाइड होता है, मींस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, 90 डिग्री एंगल या फिर राइट एंगल करके रहता है. सो अगर ये सेंट्रल एक्सिस है, ये सेंट्रल एक्सिस है और ये है न्यूक्लियोटाइड, तो ये सेंट्रल एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल करके जुड़ा रहता है, प्रेजेंस होता है, ओके. उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस. इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि टोटल जो डीएनए होता है उसके अंदर एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन का जो अमाउंट होता है वो हमेशा इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू चार गप्स लो, हम लोग जानते हैं. लेकिन जो डीएनए के अंदर, मतलब डीएनए का जो अगर हम देखेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे करके जा रहे हैं, डीएनए का जो फर्स्ट चेन है और सेकेंड चेन है उन दोनों के बीच में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का डिफरेंस हो सकता है. मीन्स अगर फर्स्ट चेन में एडेनिन ज़्यादा है थायमिन कम हो सकता है, और सेकेंड चेन में गुआनिन ज़्यादा है साइटोसिन कम हो सकता है, लेकिन टोटल अगर हेलिक्स को देखेंगे उन दोनों के बीच में डीएनए का जो एडेनिन, थायमिन और प्यूरिन और पायरिमिडिन का जो बेस पेयर है वो इक्वल रहेगा, ओके. तो तुम लोग बोल सकते हो कि
एडेनिन तो हमेशा अकेले नहीं रह सकता, अगर एक चेन में एडेनिन अनइक्वल है तो इक्वल थायमिन भी चाहिए, लेकिन अनइक्वल एडेनिन के लिए जो इक्वल थायमिन होगा वो सेकेंड चेन में होगा, मतलब फर्स्ट चेन में अगर एक एडेनिन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन होगा सेकेंड चेन में, ठीक है। ऐसे करते हुए टोटल कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ एडेनिन थायमिन और उसका रेशियो जो है वो फॉलो होता है, और वो फॉलो करता है चार गब्स का लॉ को। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे कि इन वन चेन ए प्लस जी बाई टी प्लस सी नॉट इक्वल टू वन, बट इन टोटल हेलिक्स ए प्लस जी बाई टी प्लस सी इक्वल टू वन। सो इन वन चेन इट इज़ नॉट इक्वल, बट इन वन हेलिक्स इट इज़ इक्वल। ओके, सो दीज आर द कैटेगरी, और यू कैन सी दीज आर द फीचर्स ऑफ डी एन ए, बाई दिस वे दे कैन फॉलो द रूल्स ऑफ चार ग्राफ्स, अदरवाइज इट विल नॉट फॉलो द चार ग्राफ्स रूल। ओके, सो ये था टोटल सम फीचर्स ऑफ डी एन ए। इसके बाद हम लोग देखेंगे डी एन ए का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके, और जो अभी तक मैंने बताया वो क्या फॉलो होता है सच में डी एन ए मॉलिक्यूल में, उसके लिए हम लोग को उसका ड्राइंग बनाना होगा। तो मैं एक ड्राइंग बनाया हूँ जैसे तुम लोगों को पीछे दिख रहा है, चलो उस ड्राइंग को एक एक करके डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो डीएनए का जो मॉलिक्यूल मैं बनाया हूँ वो क्या सच में चार कप्स का जो लॉ है उसको फॉलो करते हैं, और एक एक पॉइंट को फॉलो करते हैं जो मैंने अभी तक बताया हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं। तो डीएनए का मैंने स्ट्रैंड बोला था, डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, दो हेलिक्स से बना होता है डीएनए, इसलिए उसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। सो उसका जो फर्स्ट हेलिक्स है वो होगा 5' टू 3', या फिर कोई भी फर्स्ट और सेकेंड 5' टू 3', वो दूसरा होगा 3' टू 5', मैंने ऐसे बनाया है। देखो एक हेलिक्स ये जो ग्रीन वाला है ये फर्स्ट हेलिक्स है सपोज, तो ये 5' टू 3', और यहाँ पर देखो ब्लू वाला जो सेकेंड हेलिक्स है वो यहाँ 5', और इधर आ गया 3'। ओके, सो फर्स्ट हम लोगों का जो फीचर्स था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब नेक्स्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंटरी एंड एंटी पैरेलल। व्हाई इट इज कॉम्प्लीमेंटरी? बिकॉज लुक, वन इज एडेनिन थायमिन, अनदर इज ग्वानिन साइटोसिन, प्यूरिन पाइरिमिडिन, लाइक दैट इट इज मीन्स इट्स मैनर्स लाइक दैट, इट इज अरेजिंग लाइक दैट, मीन्स एक पाइर जो प्यूरिन होता है दूसरा पिरिमिडिन के साथ, एक पाइरिमिडिन जो होता है दूसरा प्यूरिन के साथ बेस करते हुए जाएगा, इसलिए इसका हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी। ओके, व्हाई इट इज़ एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल मीन्स लुक, 5' टू 3' एंड हियर 3' टू 5', दैट्स व्हाई इट इज़ एंटी पैरेलल। नाउ एक पॉइंट था, जो डीएनए का टोटल हेलिकल लेंथ होता है वो होता है 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ओके, सो टोटल एक हेलिक्स है ये डीएनए का, इसका लेंथ है 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ओके, अब देखो डीएनए का अगर हम कट करेंगे इन द मिडिल पोजिशन तो हम लोग को मिलेगा ये वाला है सेंट्रल एक्सिस। ओके, एंड ये अगर सेंट्रल एक्सिस है तो एक एक न्यूक्लियोटाइड सेंट्रल एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल करके बैठा रहता है। ओके, अब आता है एक पॉइंट जो मैंने बताया था, जो एक एक का चेन होता है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। ओके, सो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके एक चेन में 10 न्यूक्लियोटाइड एंड टोटल हेलिक्स में 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा। ओके, सो देखो न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है, ए नाइट्रोजन बेस और ये शुगर और ये फॉस्फेट। ओके, नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट, सो दोनों मिलके नाइट्रोजन बेस एंड शुगर दोनों मिलके क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ ऐड हो जाएगा वो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ये भी हम लोगों का परमिशन कंप्लीट हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है डीएनए का जो फ्रेमवर्क बनता है, जो बैकबोन होता है, वो शुगर और फॉस्फेट से बना होता है। बैकबोन क्या होता है, सपोज तुम लोग के घर में दीवार होगा तो दीवार के अंदर सीमेंट है, ईटा है, और हम लोग एक दीवार को मजबूत बनाने के लिए या फिर एक पिलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टिम्बर यूज़ करते हैं। अगर ये टिम्बर है उसके चारों तरफ सीमेंट जकड़ के रखेगा उसको, टिम्बर हेल्प करता है सीमेंट को टाइट पकड़ने के लिए, वैसे ही ये बैकबोन जो फॉस्फेट एंड शुगर होता है वो दोनों तरफ से जो न्यूक्लियोटाइड है या फिर तुम लोग बोल सकते हो जो नाइट्रोजनस बेस है, क्योंकि शुगर एंड फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाएगा, जब नाइट्रोजनस बेस उसके साथ कनेक्ट होगा तब न्यूक्लियोटाइड होगा। तो शुगर और फॉस्फेट दोनों मिलके नाइट्रोजन को चारों तरफ से एकदम फिक्स्ड पोजिशन में
बैठे रहने के लिए हेल्प करता है, जो सेंट्रल एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल करके बैठा रहेगा। ओके, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अगर शुगर एंड फॉस्फेट नहीं रहेगा तो टाइट नहीं होगा, मीन्स न्यूक्लियो टाइट का जो नाइट्रोजनस बेस है वो एज ए फिक्स पोजिशन में कभी भी नहीं बैठ पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन, दिस इज नोन एज अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब इसके बाद देखो, जो मैंने बताया था माइनर ग्रुप एंड द मेजर ग्रुप। माइनर ग्रुप क्या होता है, जो डीएनए का फर्स्ट टर्न हो रहा है उसमें एक शॉर्टेज लेंथ होता है, वो होता है माइनर ग्रुप। एंड इसी माइनर ग्रुप में कितना न्यूक्लियोटाइड रहेगा, 4 न्यूक्लियोटाइड। एंड हेयर इट इज मेजर ग्रुप, हेयर 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा। एंड इस माइनर ग्रुप का लेंथ होगा, यहाँ पर मेजर ग्रुप है एंड यहाँ पर माइनर ग्रुप है, 12 डिग्री एंगस्ट्रॉम। हियर इट इज 22 डिग्री एंगस्ट्रॉम। दिस इज मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप। इसके बाद देखो, ये जो न्यूक्लियोटाइड है सेंट्रल एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल करके बैठा है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी गैप है। एक एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ ऊपर बैठा है, दोनों के बीच में देखो गैप है, ये गैप है। इस गैप का लेंथ कितना होगा, 3.4। ये कहाँ से मिला है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक में 10 रहता है, टोटल 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम में, तो 34/10 करेंगे तो हम लोग को 3.4 डिग्री एंगस्ट्रॉम मिल ही जाएगा। ओके, तो दोनों के बीच में जो गैप है वह 3.4 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ओके, सो हम लोग को यहाँ पर देखो, ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, सब में है। सो गुआनिन एंड साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड करके है, एडिनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड करके थायमिन के साथ है। इसके बाद ये न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट के साथ ऐड हो जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, और ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन, दिस इज प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन बेसिस, एंड दिस इज टोटल लेंथ ऑफ द हेलिक्स। ओके, दिस इज नोन एज 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम। द लेंथ विल बी 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम, माइनर ग्रुप मेजर ग्रुप, एंड दिस इज द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द वन डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल। ओके, सो ये था हम लोग का आज का क्लास, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, इस डीएनए ऊपर करके डिपेंड करके कुछ क्वेश्चन आता है कि डीएनए का जो लेंथ होता है वो 34 डिग्री एक हेलिक्स का लेंथ क्यों होता है, क्यों डीएनए इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर, व्हाई डीएनए कंसिस्ट माइनर ग्रुप एंड मेजर ग्रुप, व्हाई इट्स 5' टू 3', व्हाई इट इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री, व्हाई इट इज़ नोन एज एंटी पैरल। ओके, and how I always purine connected to the pyrimidine, not purine purine, not pyrimidine pyrimidine. This like of question I will discuss in my next video. So till then, take care and subscribe my channel. If you like the my video, so like and share it. Okay, thank you, bye. Audio Jungle.